जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोगों का एक बार फिर से। और आपने कल मैच देखा पुर्तगाल वर्सेस लक्समबर्ग का, और पुर्तगाल ने क्या ही जबरदस्त मुकाबला जीता है, 5-0 एक तरफा मारा है यार पूरे लक्समबर्ग को, कोई मौका नहीं दिया उनको वापसी करने का, और एक तरफा मारा है। और इसमें क्या ही शानदार हैट्रिक आई है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। यस क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितना, मतलब 36 की उम्र में यार उनकी इतनी ऐसी फिटनेस। और जब आपने अगर मैच देखा होगा तो जब उनका एक बैक फ्लिप आता है, हालांकि उसमें गोल नहीं होता है यार, लेकिन इस एज में वो बैक फ्लिप मारना, वाव यार अपने आप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और 36 की एज में हालांकि वो गोल नहीं हो पाता है, काफी अच्छा सेव करते हैं गोलकीपर जो लक्समबर्ग के होते हैं, किन यार रोनाल्डो, यार तो रोनाल्डो है ऐसी फिटनेस यार, मतलब एक जो आने वाले युवा है जो फुटबॉलर है यार उनके लिए एक प्रेरणादायक है यार कि इस एज में भी उन्होंने अपनी फिटनेस को, इस लाजवाब है यार। तो आइए हम बताते हैं इस मैच में क्या कुछ घटा। तो 8वें मिनट में एक पेनल्टी मिलती है और ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेते हैं और उसको गोल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद 13वें मिनट में एक और पेनल्टी, हालांकि वो गोल भी हो सकता था अगर वो फाउल नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें पेनल्टी मिलती है और अगेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस पेनल्टी को गोल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद 18 मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस द्वारा गोल आता है, वो स्कोर करते हैं और पुर्तगाल यहां से 3-0 से आगे हो जाती है। उसके बाद थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है, हाफ ब्रेक तक 3-0 ही होता है। उसके बाद 69वें मिनट में जुआवो पल्हिना का एक हेडर के थ्रू एक गोल आता है और यहां से पुर्तगाल 4-0 से आगे हो जाती है। उसके बाद ऑब्वियसली सबको इंतजार होता है यार कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हैट्रिक कब आएगा, कब ये हैट्रिक मार भी पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और उनका 87वीं मिनट में एक जबरदस्त हैडर के साथ उनकी हैट्रिक आती है और ये उनकी 10वीं इंटरनेशनल हैट्रिक है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर तरफ छा गए यार, मतलब वो अब उनको देखा जाए तो 115 प्लस इंटरनेशनल गोल है यार उनके अपने आप में काफी, मतलब इसलिए उनको लेजेंड कहा जाता है यार वो, और ये ऑल टाइम लेजेंड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और पुर्तगाल इसमें 5-0 से जी जाती है। अब ग्रुप टेबल के बाद में अगर करूं तो ग्रुप टेबल में अभी सर्बिया नंबर 1 पे है और उसके बाद दूसरे नंबर पे पुर्तगाल है, मैं ग्रुप ए की बात कर रहा हूं। तो सर्बिया ने है कि एक मैच ज्यादा खेला है, पुर्तगाल ने 7 मैच खेला है और उनके 17 पॉइंट है, और पुर्तगाल के 6 मैच खेला और 16 पॉइंट है। जब ये आमने सामने भिड़ेंगे तो फिर जो भी इनमें से जीतेगा वो ग्रुप के टेबल में ही रहेगा। हालांकि इस ग्रुप में दो टीमें क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए और ऑब्वियसली सबको पता है कि पुर्तगाल और सर्बिया ही के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। लक्समबर्ग के ये मैच हारने से उनके चांसेस बहुत कम हो गए, ऑलमोस्ट भारी हो गए जो बाकी के 3 टीमें बची हैं, तो यहाँ से पुर्तगाल और सर्बिया का ही ज्यादा चांसेस हैं। तो ये थी फुटबॉल से जुड़ी हुई कुछ खबरें और अब हम बताते हैं आपको आज की होने वाले मैचेस में दिल्ली कैपिटल वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता नाइट राइडर्स लास्ट मैच जीत के आ रही है और दिल्ली कैपिटल लास्ट मैच जो चेन्नई सुपर किंग का था फर्स्ट क्वालिफायर मैच वो हार के आ रही है। तो देखना होगा कि कोलकाता क्या ये जीत का जो मोमेंटम है लगातार, जो वो 6 मैच लगातार जीत के आ रहे हैं, क्या वो इसको बरकरार रख पाएगी, ये तो देखने वाले होते हैं। क्या दिल्ली कैपिटल यहाँ से जीत के चेन्नई सुपर किंग के साथ एक फाइनल खेलेगी, पिछले बार वो फाइनल में मुंबई से हार गए थे, क्या इस बार वो फाइनल में जीतेंगे या पहुँचेंगे, तो देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट होगी कल हम आपके साथ मैच में कुछ लेके रहेंगे, तब तक जुड़ी रही हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।